तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आए हो बच्चे होंगे और अच्छे ही रहें। तो गाइस, अगर इस वीडियो को देखते रहे, हम आपसे बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और पहले बना दी है, जिसमें मैंने आपको पांच ऐसी वेबसाइट्स बताई थी जिनसे आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। पर आज की इस वीडियो में ना तो मैं आपसे कोई सा ऐप डाउनलोड करवाने वाला हूँ, ना कोई सी आपको आज वेबसाइट बताऊंगा, बल्कि आज ऐसी जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा जिनसे आप असली इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी और बिल्कुल आसान से तरीके से। और कुछ दो टिप्स भी बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहती है। तो गाइस, ये जो ट्रिक्स हैं इन्हें आपको ऐसे ज़्यादा खाने के चक्कर में यूज़ नहीं करनी है, मतलब एक साथ जो लगातार यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो गाइस, सीरियसली कह रहा हूँ कि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, नहीं तो फिर आप कमेंट में आके कहो कि हमारे ने ट्रिक यूज़ करी और हमारी आईडी ब्लॉक हो गई। तो बिल्कुल सीरियसली इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, जब भी आप समझ पाओगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे और फिर आईडी ब्लॉक हो जाएगी और फिर आप मेरे से आके कहोगे। तो गाइस, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मैं हूँ अक्षत और आप देख रहे हैं एक टेक जोन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे चल जाना है, जैसे कि मैं आ चुका हूँ। तो गाइज, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करा है, जिस पे अभी तक मैंने कोई भी पोस्ट या फिर कोई सी भी बंदे को अभी तक फॉलो नहीं करा है, और ना मेरे पास अभी तक एक भी फॉलोअर है। तो क्योंकि अब आपको अच्छे से समझ आएगा, अगर मैं अपने पुरानी वाली आईडी पे बता तो आपको समझ में नहीं आता। तो गाइज, आपको अब क्या करना है, सिंपली से इधर आ जाना है। यहाँ पे आपको पॉपुलर्स अकाउंट दिखा रहा होगा, तो इस पर आपको, जैसे कि मैं इसी अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस अकाउंट को सिंपली से फॉलो कर लेना है, और फॉलो करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ये नीचे जो ये अकाउंट दिख रहे हैं इन्हें देखना है, और इनको भी साथ साथ लगातार बिल्कुल फॉलो करके चलना चाहिए। मतलब फॉलो कर लो सारे के सारे जो भी यहाँ नीचे आ रहे हैं। अब आपको कितने फॉलो करने हैं और कब तक फॉलो करना है ये मैं अब आपको बताऊँगा। पहले मैं ये कुछ फॉलो कर लेता हूँ। आपको 50 टू 60 ही लोगों को फॉलोइंग करना है। अगर आप एक साथ लगातार 50 तो बहुत ज्यादा है, 40 से अगर ज्यादा एक लगातार आप फॉलोइंग कर दोगे तो इंस्टाग्राम को लगेगा ये बंदा कुछ स्कैम कर रहा है, और वो आपके आईडी बैन भी कर सकता है। तो गाइस, इस बात का जरूर से ध्यान रख लेना कि एक साथ 40 लोगों से ज्यादा फॉलो मत करना। तो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको 40 से ज्यादा फॉलो नहीं करना है, तो मैं जल्दी जल्दी से फॉलो कर लेता हूँ, और 40 से पार नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो इंस्टाग्राम में हमारा ये अकाउंट बैन कर देगा। तो जल्दी जल्दी से आप जैसे ही फर्स्ट बंदे को फॉलो करो, उसके बाद यहाँ से 40 जल्दी जल्दी से फॉलो कर लो, जितने भी यहाँ पे लिखा है सजेशन में। और अच्छा होगा कि अगर आप सारे ब्लू टिक वालों को फॉलो करो तो और अच्छा होगा और फॉलोअर अच्छे आएंगे। तो देख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे इतने सारे को फॉलो कर लिया है, और अब ये यहाँ पे देख लीजिए मेरी क्वांटिटी हो चुकी है 71, तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे निकल गया है। पर अब आपको कुछ से ज़्यादा फॉलो नहीं करने हैं। अब आपको क्या है ये देख लीजिए कि मैंने इधर आ चुका हूँ, और यहाँ पे देख लीजिए फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और ये अब आते ही रहेंगे। जैसे कि देख लीजिए आप, 2-3 फॉलोअर्स देख लीजिए आते ही जा रहे हैं, ये 4 आ गए हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। तो गाइस, फॉलोअर आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और बिल्कुल बिना रुके आते ही जाएंगे जब तक ये अकाउंट चल रहेगा, जब तक आते ही फॉलोअर आते ही जाएंगे, मतलब रुकेंगे नहीं। तो ये तो थी हमारी पहली ट्रिक। पर इस ट्रिक को आपको कितने टाइम के बीच में, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप दिन भर बस यही करते रहो, ऐसा खोलो फिर फॉलो करो फिर ऐसा करो, नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका अकाउंट बैन होने का खतरा रहेगा। तो आपने जैसे कि सुबह 7 बजे कर लिया है, तो फिर आपको रात में 9 या फिर 10 बजे ऐसा वापस से करना है। अगर आप इसके बीच टाइम पीरियड में करते हो तो आपके अकाउंट के ऊपर खतरा मंडराएगा कि इंस्टाग्राम उसे बैन भी कर सकता है। तो गाइस, वीडियो बहुत अच्छी है पर कुछ खतरे भी हैं इस चीज़ में, तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बातें सुनना। और 15 घंटे से लगते हैं, तो आप 15 घंटे बाद वापस से साठ अकाउंट को फॉलो कर लेना है यहाँ पे से, और वापस से आपके फॉलोअर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, और ये आते ही रहेंगे। हर कुछ थोड़ी देर में थोड़े आएंगे, फिर देख लीजिए कुछ थोड़ी देर में और फिर थोड़े आएंगे, तो ऐसे आते रहेंगे ये अपने आप। तो पहली ट्रिक हमारी यही थी, ये तो हमारी पहली ट्रिक थी। अब दूसरी ट्रिक में आपको क्या करना है, दूसरी ट्रिक में आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है। इस ऐप को आपको प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लेना है। सिंपली से जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद क्या करना है, तब आप उनको अपनी फोन की स्क्रीन के ऊपर
तो गाइज हम हमारी वापस से स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं मोबाइल के, और अब आपको प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ पर सिंपली से सर्च करना है #4Instagram। तो हम सर सिंपली से मैं लिख लेता हूँ #4, यहाँ पे सब लाइक मीचेस में से मिटार देंगे हम, तो ये आपको फर्स्ट नंबर पे ही दिख जाएगा। तो #4Instagram यही वाला आपको ऐप डाउनलोड करना है। ये नीचे जो भी आलतू फालतू आ रहे हैं इन सब में से कोई सा भी डाउनलोड नहीं करना है। #4Instagram 3.5 MB का ऐप है और 1 million प्लस इसके डाउनलोडर्स हैं। 4.2 की रेटिंग है इसकी और इसमें आपका ID डाटा सब सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो आपको सिंपली से ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैं जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको वीडियो में आगे बताते हैं कि आगे इस ऐप को खोलने के बाद आपको क्या करना है। तो गाइस हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको सिंपली से इसे ओपन करना है, और ये ऐप आने वाला है आपके इस काम में कि जैसे आप कोई भी अपनी पोस्ट करोगे तो उसमें आपको हैशटैग जरूर से लगाना है। अगर आप हैशटैग नहीं लगाओगे तो आपके ना तो कोई फॉलोअर्स आएंगे ना कुछ आएगा। मैं भी पहले अपनी पोस्टों में हैशटैग नहीं लगाता था और मेरे को ना ज़्यादा लाइक आते थे ना फॉलोअर्स आते थे, पर जब से मैं अपनी प्रोफाइल मतलब पोस्ट में हैशटैग डालना स्टार्ट करा है गाइस, उसके बाद से बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं अपने आप और अच्छा भी लगता है और लाइक भी अच्छे आते हैं। तो गाइज यहाँ पे से अब आपको पोस्ट अपनी देख लेना है कि आपकी पोस्ट किस उसमें है, जैसे कि आपके अगर पोस्ट फैमिली हो, आर्ट हो, फोटोग्राफी हो, एनिमल में हो, कुछ में भी हो तो आप यहाँ से हैशटैग ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ ज़्यादा झंझट में नहीं फंसना है, आपको नहीं मालूम आपकी पोस्ट काय में है, तो यहाँ पे आपको सिंपली ऊपर पॉपुलर का ऑप्शन दिख रहा होगा। पॉपुलर के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो मोस्ट पॉपुलर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जितने भी हैशटैग आपको देखने को मिल रहे हैं या आज के ट्रेंडिंग हैशटैग हैं, तो आप इनको अगर अपनी पोस्ट में डालोगे तो आपकी पोस्ट वायरल होने के फुल चांसेस रहेंगे। तो अब मैं यहाँ से देख लीजिए, मैंने इन्हें कॉपी कर लिया है। अब हम जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो हमने बनाया था, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर सिंपली से एक पोस्ट अपलोड कर देंगे। गाइस मैंने ये वाली पोस्ट ले ली है, अब मैं इसे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ से तो हमें कुछ यूज़ नहीं करना है, सिंपली से बस आपको करके दिखा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली से कुछ भी कैप्शन लिख देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ NIC और कुछ भी लिख देना है। फिर उसके बाद आपको डॉट 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 लगाना है, फिर उसके बाद वापस से डॉट और फिर वापस से डॉट, फिर डॉट, फिर डॉट, फिर डॉट, ऐसे डॉट लगाते लगाते नीचे आ जाना है। और यहाँ पर आपको अब जो आप कॉपी करके लेके आए थे उस वेबसाइट से, वो वाले हैशटैग्स आपको यहाँ पे डाल देने हैं, और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस हैशटैग डाल देना है। हैशटैग डालने के बाद आपको टैग पीपल के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे कोई सा भी एक लेटर लिख लेना है, जैसे कि ये मैंने लेटर लिखा हो, जितने के पास भी ब्लू टिक है उनको सबको इसमें अंदर टैग कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी से टैग कर देता हूँ, तो जल्दी जल्दी गाइज हमने यहाँ पे सबको टैग कर दिया है। आप मैक्सिमम 20 पीपल्स टैग यहाँ से कर सकते हो, तो हमने सारे पॉपुलर को टैग कर लिया है। अब आपको सिंपली से राइट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस पोस्ट को यहाँ पे से कुछ भी एड्रेस आप डाल सकते हो, मैं एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, डालोगे तो अच्छी बात है। तो सिंपली से आपको यहाँ से पोस्ट को पोस्ट कर देना है राइट के ऊपर क्लिक करते से ही। अब देख लीजिए हमारी पोस्ट फिनिश अप हो रही है, और ये नोट ट्राई अगेन बोल रही है। तो गाइज हमारी पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट हो चुकी है, और देख लीजिए यहाँ पे लाइक और फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो गए, जैसे कि मेरे पोस्ट बिल्कुल पोस्ट हुई और ये लाइक आना स्टार्ट हो गए।
और ये देखना ये भी आते ही रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़ी थोड़ी देर में। तो आप ये अपनी पोस्ट के साथ यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छी सी ट्रिक है। अब ये तो देख लीजिए, ये हैशटैग हो गए। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, बार बार इन बंदों को, हर बार 60 बंदे को फॉलोइंग करोगे तो आपकी फॉलोइंग तो ऑब्वियसली है कि बढ़ेगी। सही, तो गाइस इसको अपने आप घटाने का एक ट्रिक है मेरे पास, जिससे ये अपने आप से ही घट जाएंगे। तो उस ट्रिक के बारे में मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। ये तो मेरी तब तो ट्रिक हो चुकी है, तीस ट्रिक के ऊपर हम आते हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि ऐसे तो करने से आपकी फॉलोइंग इंक्रीज होती जाएगी और आप अगर ऐसे एक एक कर करके अनफॉलो करने लगे तो फिर तो हो गया। तो आज अभी ऐसा एक बताएंगे जिससे आप अपने आप उस एप में क्लिक कर दो तो वो अपने आप सारी आपकी फॉलोइंग को, जिन्हें आप मतलब जिस बंदे ने आपको फॉलो नहीं कर रहा है उन्हें अपने आप हटा देगा। तो चलो उस ऐप के बारे में बताते हैं। तो गाइस छू मत ये वाला ऐप है, बहुत मज़ेदार ऐप है, एक बार डाउनलोड करो, मैं भी अभी आपको डाउनलोड करके यूज़ करके दिखाता हूँ। तो गाइज अब आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जब सिंपली से जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। इसका नाम है फॉलो एंड अनफॉलोअर्स फॉर इंस्टाग्राम्स। तो आप सही से लोगों देख लो, वरना कोई से कर लोगे फिर आपका डाटा लीक होने का डर रहेगा। तो सही एप्लीकेशन बता रहा हूँ, अमेजिंग से। तो इंस्टॉल कर लेते हैं हम जल्दी। एक बार ही डाउनलोड होने के बाद इसको सिंपली से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपसे टर्म्स एंड कंडीशन के लिए एग्री करेगा, आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आपको इसमें अपनी इंस्टाग्राम आईडी से लॉगिन कर लेना है। आपकी आईडी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगी, इसका पासवर्ड कहीं पर भी लीक नहीं करा जाएगा। तो बहुत अच्छी इस ऐप की यही बात है, अगर आप कोई सा दूसरा ऐप करोगे तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, पर इसकी ज़िम्मेदारी मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैंने ढूंढा है, बहुत मेहनत लगी है इस ऐप ढूंढने के लिए। मैंने इसका जो डेवलपर है उनसे बात करी है, उनने कहा कि हम कोई भी डाटा कहीं पे लीक नहीं करेंगे, तो थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ता है। तो हमें सिंपली से जल्दी से इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइज देख लीजिए, इसने हमारा अकाउंट मतलब हमने लॉगिन कर दिया है। उसके बाद इसने सारे लोग दिखा दिए जिनने हमें फॉलो, हमने मतलब जिन्हें फॉलो कर रखा है और जिनने हमें फॉलो नहीं कर रखा है। तो आपको अब यहाँ पे देख लेना है, ऊपर सबसे ऊपर दिखा रहा है कि आपको बॉटम से 50 उड़ाने हैं या अप साइड से 50 उड़ाने हैं या नीचे से 50 उड़ाने हैं, मतलब गायब करने हैं फॉलोइंग। तो आप सिंपली जैसे कि हमें ऊपर से फॉलोइंग उड़ानी है तो हम सबसे पहले तो इसे रिफ़्रेश कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसा टाइम करेगा और फिर रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद हम आपको देख लें कि हमें 50 उड़ाने हैं नीचे से, तो हम 50 उड़ाने के ऊपर मतलब अनफॉलो 550 फ्रॉम बॉटम के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर डॉक्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ये अपने आप पेंडिंग में चल जाएंगे और सब अनफॉलो होने लग जाएंगे। आपको जो दिख ही रहे हैं कि ये अपने आप अनफॉलो हो रहे हैं। अब आप इस ऐप को बैक करके बाहर भी जा सकते हो और अपना दूसरा काम भी कर सकते हो, या ऐसा ऐप अपने आप चलता रहेगा आपके बैकग्राउंड में और सारे बंदों को बहुत जल्दी से ये हटा देगा। तो गाइस जैसे ही अनफॉलो कर देगा 50, तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप वो पर क्लिक कर दीजिए। अब हमारे 71 फॉलोइंग्स थी, इसमें से हमने 50 हमने डिलीट कर दिए। तो अब ये कुछ देख लेते हैं हम हमारे अकाउंट पर जाके कि हुई कि नहीं हुई। तो हम सिंपली इस अकाउंट को रीलोड कर लेते हैं और देख लीजिएगा इस बूम, इसने अपने आप सारे बंदों को अनफॉलोइंग कर दिया है जिनने आपको फॉलो नहीं कर रखा था। अब 21 बचे हैं वो भी हम हटा लेंगे, पर हमारा तो फेक अकाउंट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो गैस ये थी कुछ हमारी 3 ट्रिक्स। तो गैस जाते जाते एक बार और बताना चाहूँगा कि गैस आप ऐसा मत करना कि एक साथ ज़्यादा बंदों को फॉलो कर लो और फिर आपका अकाउंट बैन हो जाए। तो गैस बहुत बार मैंने बोल दिया आप, कोई मेरी रिस्क नहीं है अगर आप ज़्यादा फॉलो कर भी लेते हो। तो गैस ये थी हमारी कुछ ट्रिक्स जो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा अमेजिंग कॉन्टेंट ही आता रहता है। तो गैस फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो फिर जय हिंद, वंदे मातरम।